इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द नंबर वन मेडिकली प्रूवन वे टू रिड्यूस क्रिएटिनिन। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। इस वीडियो का गोल है आपको ये समझाना कि क्रिएटिनिन को कैसे कम करना चाहिए और बढ़े हुए क्रिएटिनिन का क्या मतलब है। आजकल हम बहुत आसानी से ब्लड टेस्ट करवा पा रहे हैं बट हम इस पर एक्शन नहीं ले रहे। रिसर्च दिखाता है कि इंडिया में 1 in 5 लोगों को किडनी डिजीज का रिस्क है या डिटेक्ट हुआ है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपका क्रिएटिनिन 1 और 2 के बीच में है, दूसरा अगर आपका क्रिएटिनिन 2 और 3 के बीच में है, और तीसरा अगर आपका क्रिएटिनिन 3 से ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। क्रिएटिनिन बेसिकली एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हमारे मसल्स का जो हमारे किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। अगर किडनी का फंक्शन कम हो गया तो क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ जाता है। कई कारण है क्रिएटिनिन बढ़ने के, कुछ किडनी रिलेटेड कारण है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट पहले मैं बताना चाहता हूँ नॉन किडनी रिलेटेड कारण। ये वो ग्रुप है जिनका क्रिएटिनिन 1 और 2 के बीच में है। नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो 0.7 टू 1.2 आता है। मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा अलग है बट मैक्सिमम 1.3-1.4 तक होता है। अगर आप चेक करेंगे अलग अलग लैब्स की भी रेंजेस थोड़ी अलग है बट मैक्सिमम 1.4 तक आपका क्रिएटिनिन जा सकता है। तो बात करते हैं नॉन किडनी रिलेटेड इश्यूज क्रिएटिनिन बढ़ने के। पहला आता है डिहाइड्रेशन। देखिए, अगर आप बीमार हुए पिछले 4-5 दिन में, आपका पेट खराब हुआ, आपने पानी कम लिया, तो आपका क्रिएटिनिन नेचुरली बढ़ सकता है। ये अपने आप कम हो जाता है जब अपनी हाइड्रेशन आप इम्प्रूव करते हैं। दूसरी चीज़ है पेन किलर्स जैसे आइबुप्रोफेन। ये शॉर्ट टर्म में भी क्रिएटिनिन को बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में किडनी में परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इनके बारे में समझना। ये एक कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसका नाम है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर आप इंडिया में जाते हैं और बोलते हैं मुझे पैरासीटामोल चाहिए, आप 2-3 कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी कभी कभी खा लेते हैं। अगर आप पीछे जाके फॉर्मुलरी पढ़े या जेनेरिक नाम पढ़े, पैरासीटामोल के साथ हमेशा 1 या 2 और दवाइयाँ होती है, अनलेस आपने सिर्फ पैरासीटामोल अकेले ली है। तो ध्यान रखिए, अगली बार पेन किलर लेने जाएं तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या मैं सिर्फ पैरासीटामोल ले रहा हूँ या साथ में कुछ और भी है। अब बात करते हैं, अगर आप यंग हैं, फिट हैं और जिम जाते हैं और आपका मसल मास ज़्यादा है, तो नेचुरली आपका क्रिएटिनिन बड़ा होगा ब्लड में। इसके लिए क्या करना चाहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिम गोर हैं और आपको बहुत शौक है जिम करने का, करते रहिए जिम, बट अपना एक सिस्टैटिन सी ब्लड टेस्ट करा लीजिए जो मसल मास से रिलेटेड नहीं है या डाइट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा ले रहे हैं या क्रिएटिनिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपका क्रिएटिनिन लेवल ब्लड में बड़ा होता है। क्या करना चाहिए सिचुएशन में, एक तो सिस्टैटिन सी है और दूसरी चीज़ है समझना कि हम कब बोलते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। देखिए, अगर आपकी 2 रीडिंग्स बड़ी हुई है क्रिएटिनिन की 3 मंथ्स अपार्ट, तो हम बोलते हैं कि आपको CKD है। समझ लीजिए, आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, आपका क्रिएटिनिन 1.5 था, 3 महीने बाद 1.8-1.9 हो गया। ये ना डाइट से या फिर मसल से नहीं होता, इसका मतलब कुछ चल रहा है किडनी में। अगर आपने साथ में सिस्टैटिन सी भी कराया है और वो भी बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है किडनी में, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है लैब एंड टेक्निकल एरर्स। इसकी वजह से भी कभी कभी क्रिएटिनिन बड़ा होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लैब्स के पास आजकल बहुत रिग्रस प्रोसेस है टू डू ब्लड टेस्ट, इसलिए इसके चांसेस कम है। किन को घबराना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे मैंने कहा, अगर 3 महीने में आपने 2 ब्लड टेस्ट कराया और आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, 1.5-1.8 हो गया, इसका मतलब कि कुछ चल रहा है और हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आपको तब जाके एक नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किडनी डॉक्टर क्या करेगा, किडनी डॉक्टर आपकी एक हिस्ट्री लेगा, आपको कोई फैमिली हिस्ट्री थी डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम की, ये पूछेगा और फिर वो कुछ ब्लड टेस्ट कराने को बोलेगा। देखिए, जब किडनी डिजीज़ की बात आती है ना, तो 3 कॉजेज हैं, एक तो प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में हमने बात की डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, ये सब किडनी को डैमेज करती है। जैसे ही डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन बेटर होते हैं, किडनी का फंक्शन भी थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। दूसरी बात है रीनल, इसमें आता है कि किडनी रिलेटेड इशू चल रहा है। किडनी रिलेटेड इशू को चेक करने के लिए हम पहली चीज़ चेक करते हैं यूरिन, क्योंकि यूरिन बनता है किडनी से। तो अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम मिल रही है, मतलब किडनी में भी प्रॉब्लम चल रही है। यूरिन में हम क्या देखते हैं, प्रोटीन है या कोई ब्लड है, तो इसको बोलते हैं यूरिन डिप। यूरिन डिप हमें बता देता है कि कितना ब्लड है और कितना प्रोटीन है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रोटीन देखने के लिए हम यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो देखते हैं या यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो। ये हमें एस्टिमेट बताता है कि कितना प्रोटीन यूरिया चल रहा है। अगर प्रोटीन यूरिया बढ़ा हुआ है, मतलब कि किडनी में डैमेज चल रहा है और आगे जाके क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा। इसके बाद आपका डॉक्टर बोलेगा कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए। इनमें से कुछ ब्लड टेस्ट महंगे भी हो सकते हैं, ये देखने के लिए कि किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रही जो आपकी बॉडी कर रही है। इसको हम ऑटो इम्यून कंडीशंस बोलते हैं। अगर ये सब कुछ नेगेटिव आया है, प्रोटीन आ रहा है आपके यूरिन में और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी। अल्ट्रासाउंड में हम 2 चीज़ें देखते हैं,
किडनी का साइज कैसा है और किडनी का फंक्शन कैसा है। किडनी का फंक्शन हमें क्या बताता है, कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में। कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया होगा चेक करिए इसको। कॉर्टेक्स अच्छा पार्ट है किडनी का, अगर आपका कॉर्टेक्स अच्छा है थिक है तो मतलब किडनी हेल्दी है, बट अगर कॉर्टेक्स पतला हो गया है मतलब कि किडनी में क्रॉनिक डैमेज चल रहा है। अब अगर आपका किडनी का साइज छोटा है, कॉर्टेक्स पतला हो गया है, तो आपका डॉक्टर बायोप्सी रेकमेंड नहीं करेगा। बट अगर आपका किडनी का साइज अच्छा है और कॉर्टेक्स भी अच्छा मोटा है तो आपका डॉक्टर बोलेगा कि एक बायोप्सी करा लीजिए। अगर बायोप्सी की बात करें तो किडनी बायोप्सी रिलेटिवली सेफ है। कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं मैं आपको। अगर आपने किडनी बायोप्सी कराई तो 1 in 100 चांस है ब्लड दिखने का, मतलब 100 बायोप्सी में एक, 200 बायोप्सी में एक चांस है कि ब्लीडिंग इतनी होए कि किडनी में कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और 1000 बायोप्सी में एक का चांस है कि किडनी में इतनी ज्यादा ब्लीडिंग है कि किडनी को निकालना पड़ा। तो किडनी बायोप्सी एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है। आजकल जो बायोप्सी नीडल्स भी आती हैं वो काफ़ी पतली हैं, तो ब्लीडिंग का रिस्क कम होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपके डॉक्टर ने बोला है तो एक बार किडनी बायोप्सी करा लीजिए। ये हमें डेफिनेट डायग्नोसिस दे देता है कि क्या चल रहा है किडनी में। एक तरफ डायग्नोसिस मिल गया तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन भी कम होगा और क्रिएटिनिन भी कम होगा। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चल जाएगा कि किडनी में क्रॉनिक डैमेज है बायोप्सी में और अब मेडिसिन का काम कम है। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर प्रिपेयर करेगा मेंटली भी और इमोशनली भी कि अब आगे जाके क्रिएटिनिन बढ़ेगा, हो सकता है हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। ये आगे अब 2 और 3 के बारे में। ये मेन इशू है जब क्रिएटिनिन 2 और 3 के बीच में होता है कि क्या रीज़न है बढ़ने का, और बायोप्सी मोस्टली रेकमेंडेड होती है अगर इंडिकेशन हो। अब इस सिचुएशन में क्रिएटिनिन कैसे कम करना है, एक तो पहले पता करना है कि क्रिएटिनिन बढ़ा क्यों है जैसे मैंने बात की, और थोड़े डाइटरी चेंजेस करने हैं। क्या अवॉइड करना है, आयुर्वेदिक दवाई को अवॉइड करना है। अगर आपका क्रिएटिनिन 1.5 1.7 भी है या फिर 2 और 3 के बीच में है, इसको अवॉइड करिए। देखिए यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा है जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं और आगे जाके उनका क्रिएटिनिन बढ़ता है और फिर वो हमारे पास आते हैं स्टेज 4 स्टेज 5 में, तब तक आपकी बोट निकल चुकी है, ट्रेन निकल गई, तब तक बहुत मुश्किल है तब क्रिएटिनिन कम करना, क्रॉनिक डैमेज ऑलरेडी हो चुका है किडनी में। अब कई लोग जो आयुर्वेदिक के पास जाते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपना प्रोटीन इंटेक एकदम बंद कर दो। अगर आप प्रोटीन इंटेक बंद करोगे आपका मसल मास कम होगा, क्रिएटिनिन नेचुरली कम होगा, बट ये अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं कर रहा, ये सिर्फ फॉल्स वैल्यूज दे रहा है आपको कि क्रिएटिनिन कम हो गया, सही चल रहा है, प्रोटीन यूरिया अभी भी चल रहा है, किडनी में डैमेज अभी भी चल रहा है। ये हो गए किडनी रिलेटेड इश्यूज। अब हम बात करेंगे पोस्ट रीनल कॉजेस। इसमें पहले समझना होता है कि किडनी कहाँ है। किडनी हमारी बॉडी में इस सिचुएशन जगह पर होती है, उसके बाद एक यूरेटर से कनेक्टेड होती है ब्लैडर में, ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के बीच में प्रोस्टेट होता है। यूरेथ्रा मतलब जहाँ से कि आपका यूरिन बाहर आ रहा है। मेन में, ओल्ड एज मेन में प्रोस्टेट बढ़ जाता है नेचुरली, जिसकी वजह से बैक प्रेशर की वजह से किडनी का फंक्शन भी बढ़ जाता है। ये सबसे कॉमन कॉज है फॉर डेरेंज किडनी फंक्शन या बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन इन ओल्ड पीपल। इसमें क्या करना है, 2 चीज़ें, या तो मेडिसिन लेके प्रोस्टेट का साइज कम करो या फिर प्रोस्टेट को निकाल दो, जिससे प्रेशर कम होगा किडनी में और क्रिएटिनिन अपने आप कम होगा। मेरे हिसाब से प्री रीनल और पोस्ट रीनल कॉजेस को काफ़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। प्रॉब्लम होती है रीनल कॉजेस जो कि मोस्टली मिस डायग्नोस हो जाती हैं या फिर मिस हो जाती है डायग्नोस करने के लिए। इस सिचुएशन में हमें यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, टेक इट एज अ वार्निंग साइन, आप प्लीज़ एक किडनी के डॉक्टर को दिखाइए। लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपका क्रिएटिनिन 3+ है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ये बहुत टाइम से 3+ रहा है तो मतलब कि क्रॉनिक चेंजेस हो चुके किडनी में, और हम फिर आपको मॉनिटर करते हैं और जब सिचुएशन आती है हम बात करते हैं डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की, जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे। अगर शॉर्ट टर्म में बढ़ा है क्रिएटिनिन और 3+ हो गया है तो ये रिवर्सिबल है अगर हमने कॉज पता कर ली और आपने अगर कोई और एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं ली जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब एक और चीज़ लोग पूछते हैं, कोई मुझे सिम्टम ही नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसा ही होता है, जब CKD स्टेज 1 या 2 है तो कोई सिम्टम नहीं आता, 4-5 में ही सिम्टम्स आते हैं। कौन से सिम्टम्स आते हैं, पहला सिम्टम आता है थकावट, टायर्डनेस सबसे पहला सिम्टम है। दूसरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पैरों में सूजन या फिर कोई रैश या फिर आपको यूरिन में ब्लड दिख सकता है। मैं आपको एक पेशेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। वो मेरी वेबसाइट पे गए, उन्होंने एक कॉल बुक करी और उन्होंने बोला उनका क्रिएटिनिन 1.8 है। उनको सजेस्ट किया गया था कि यूरिन डिप कराइए, उसमें ब्लड एंड प्रोटीन निकला और उन्होंने फिर अपना यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो कराया ये देखने के लिए कि कितना प्रोटीन यूरिया है। उनको काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया था। सबने रेकमेंड किया उनकी बायोप्सी करने के लिए, उन्होंने बायोप्सी कराई और उसमें IgA नेफ्रोपैथी आई। IgA नेफ्रोपैथी का ट्रीटमेंट शुरू किया, प्रोटीन यूरिया कम हुआ और क्रिएटिनिन भी कम हो गया। तो हमने अर्ली डायग्नोस किया, अर्ली ट्रीट किया और अब वो रेगुलर फॉलोअप पे हैं
और अच्छा कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता था इस वीडियो से कि अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ये बॉडी एक सिग्नल दे रही है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, इसको सीरियसली लीजिए और इन्वेस्टिगेट कराइए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है बट वो सोच रहे हैं क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊं या मैं कोई आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन लूं। नमस्ते, मिलते हैं अगले हफ्ते।